ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी या फिर उन्होंने सुसाइड किया था, तो जानेंगे आज हम इस रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हम कनेक्ट करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट से। SSR हमसे कनेक्ट करें, हमें बताएं क्या आपकी हत्या हुई थी या आपने सुसाइड किया था, क्या हुआ था आपके साथ, हमें बताएं। SSR सुशांत सिंह राजपूत, क्या हुआ था आपके साथ, हमें बताएं। SSR क्या हुआ था आपके साथ, हमें बताएं। यहाँ पे आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, साथ ही यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स है और आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। जिसको अपने लिए एक ब्लेसिंग मानते थे उसने ही यहाँ पर एक षड्यंत्र रचा है इनके साथ। यहाँ पर कोई फीमेल एनर्जी दिख रही है। SSR बता रहे हैं कि उनको लगातार उनके माइंड को कंट्रोल किया गया। आप देख सकते हैं एक क्रो है जो इस पर्सन के सर को पूरे तरीके से थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहता है। यहाँ पे हो सकता है SSR को अननोइंगली गलत चीज़ें सेवन कराया गया और जहरीली चीज़ों का सेवन कराया गया। यहाँ पर SSR के घर में ही ये चीज़ें चलाई जा रही थी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। यहाँ देखिए कि जो लेडी है ये यहाँ पर ये ड्रम बजा रही है जैसे पार्टी कर रही है, और यहाँ पर SSR बताना चाह रहे हैं कि उनके घर को एक ऐसा पार्टी की जगह बना दी थी जहाँ पर ये सब लोग आके पार्टी कर रहे थे, सेलिब्रेशन करते थे, और यहाँ पर उनके घर में इनका ही कंट्रोल था। SSR यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं तो कभी आंखें खोल के देख भी नहीं पाता था क्योंकि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ ये करके रखते थे। या तो ये क्रो आप देख सकते हैं इसके माइंड को कंट्रोल कर रहा है, या तो ब्लैक मैजिक से, या फिर SSR को कहीं ना कहीं कोई दवाई या कुछ ऐसा मेडिसिन दिया जाता था कि वो कभी उठकर ये इन लोगों को कुछ कह नहीं पाते थे। ऐसा कुछ बता रहे हैं वो कि बहुत शोर होता था घर में और मैं कुछ कह नहीं पाता था, और जिसे मैं ब्लेसिंग समझता था उसने ही ये सब किया। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने SSR के साथ धोखा किया और SSR के घर में बहुत ज़्यादा एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा की, बनाई। और चाहे आप काला जादू समझें, चाहे काले जादू के माध्यम से या ड्रग्स के माध्यम से SSR को कंट्रोल किया। यहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी दिख रही है, आप देख सकते हैं कुछ छोटे बच्चे यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसे कुछ लोग हैं, ये देख सकते हैं आप, दो लेडीज़ दिख रही हैं जो कोई NGO में हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है। तो यहाँ पर ये भी कुछ बातें यहाँ पर दिख रही हैं, SSR कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बता रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत आप हमें बताएं, तो बहुत शोर हो रहा था, कोई लेडी है जो आपके घर पे आपके ऊपर कंट्रोल कर रही थी, आपके माइंड को कंट्रोल कर रही थी, और फिर क्या हुआ यहाँ पर SSR हमें बताएं। ये कोई पार्टी हो रही थी, कोई पार्टी फंक्शन था, और उसमें क्या आपके साथ किया गया, क्या हुआ था। यहाँ पर हमें जस्टिस कार्ड मिला है। सुशांत सिंह राजपूत कह रहे हैं कि उनके गले को दबाया गया, उन्हें मार दिया गया, और उनकी जो स्पिरिट है वो अभी भी जस्टिस मांग रही है। सुशांत सिंह राजपूत जस्टिस मांग रहे हैं। यहाँ पर SSR कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर कुछ लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया और उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर से कुछ ऐसी चीज़ें भी गायब हुई हैं जो उनकी थी, लेकिन कुछ लोगों ने आकर उनके यहाँ से वो चीज़ें गायब कर दी हैं और उनके घर से वो सामान ले गए हैं। अभी भी SSR उन चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हैं। ऐसा क्या था उसमें, यहाँ पर उसमें कुछ ऐसा था जो इस लेडी को कम्प्लीटली एक्सपोज कर सकता है। जो भी ये लेडी है जिसके कारण SSR की ये कंडीशन हुई है, उसको एक्सपोज करने के लिए वो एविडेंस काफ़ी थे। तो यहाँ पर SSR यही बताना चाह रहे हैं कि वो लेडी एक्सपोज हो जाती, अगर वो जो चीज़ें थी वो मिल जाती तो कुछ ना कुछ ऐसा था, कुछ ऐसी कोई CD थी, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत से लोगों को एक्सपोज करती, स्पेशली जो ये NGO है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, इन चीज़ों को एक्सपोज किया जाता। हस्बैंड वाइफ हैं जो कोई NGO चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये बच्चे हैं उनके साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। ऐसी ही कुछ चीज़ें थी जिन्हें वो एक्सपोज करना चाहते थे। तो यही कुछ बता रहे हैं SSR कि अगर वो एविडेंस मिल जाते तो ये सब लोग जो हैं ये एक्सपोज हो जाते, लेकिन इन्होंने ऐसा होने से पहले ही SSR को, यहाँ पर SSR की हत्या कर दी गई। सुशांत सिंह राजपूत बता रहे हैं कि उनको जब मारा गया उस वक्त वो पूरे तरीके से होश में नहीं थे, उनको यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन दी गई थी कि वो होश में उस वक्त नहीं थे। और यहाँ पर एक क्रो है आप देख सकते हैं जो इनके सर को कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे ही जो नेगेटिव एनर्जी जो लोग थे या जो भी उन्हें दवाई दी गई थी उससे उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और यहाँ पर कम से कम 4 से 5 लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और उनकी हत्या की।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पिरिट भी दिख रही है। ऐसा भी लगता है कि SSR के साथ साथ कोई और भी पर्सन है जिसकी मृत्यु हुई है, लेकिन उसको फिर यहाँ समंदर में फेंक दिया गया है, ऐसा यहाँ पर इंडिकेशन है। कोई और भी है तो SSR कुछ इस पर्सन के बारे में भी बता रहे हैं। तो SSR के ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन उनके घर में यहाँ पर पार्टी हो रही थी, ऐसा भी लग रहा है कि देख सकते हैं आप ये ड्रम बजा रही है लेडी यहाँ पे। तो यहाँ कुछ हुआ है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स पे कोई घर है जिसमें ये लेडी है जो किसी को वेलकम नहीं कर रही है, मतलब किसी आउटसाइडर को, और यहाँ पर जो भी हो रहा है वो इसके कंट्रोल में है चीज़ें। तो यहाँ पर SSR बता रहे हैं कि किसी ने उनके घर को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया था, और उसके बाद उनको कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन दी थी कि वो किसी भी चीज़ का अपोज नहीं कर पाए किसी भी चीज़ को, और फिर उनके ऊपर चार पांच लोगों ने अटैक किया। और ऐसा भी यहाँ पर वह बताना चाहते हैं कि उनके अलावा कोई और भी था जिसकी मृत्यु हुई है, और वो पर्सन को उन्होंने समंदर में फेंक दिया है, उसकी बॉडी को समंदर में फेंक दिया है, ऐसा कुछ SSR यहाँ पर बता रही हैं। फोर ऑफ सॉल्ट्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो दिशा साल्यान की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि उसको भी इस तरीके से मार दिया गया है, और उसकी भी जो स्पिरिट है वो बंधी हुई है। यहाँ पर SSR बता रहे हैं कि दिशा साल्यान की जो स्पिरिट है वो भी भटक रही है इस समय, उनकी स्पिरिट को मुक्ति नहीं मिली है। क्या इस समय यहाँ पर दिशा साल्यान की स्पिरिट भी प्रेजेंट है, हमें बताएं SSR। दिशा साल्यान की स्पिरिट भी यहाँ प्रेजेंट है। आप ये फोर ऑफ सॉर्ड्स में जो लड़की है, कौन है ये, क्या बताना चाहते हैं SSR आप। सेवन ऑफ वॉन्ड्स पे हमें मिली है एक लेडी, यहाँ पे ऐसा लगता है कि दिशा साल्यान की मृत्यु में भी इस लेडी का हाथ है जिसने SSR के घर में कंट्रोल कर रखा है। यहाँ पे SSR यही बता रहे हैं कि जो ये लेडी है जो उनकी फ्रेंड थी उसका ही कंट्रोल है उनके घर पे, और उसके ही इशारे पर दिशा साल्यान की भी मृत्यु हुई है। यहाँ पर दिशा साल्यान की एनर्जीज भी प्रेजेंट है इस समय, और बहुत ज़्यादा दुखी है, तकलीफ़ में है। आप देख सकते हैं दोनों ही कार्ड्स रिवर्स में आए हैं दिशा साल्यान के। तो यहाँ पर भी आप देखिए एक लड़की है जो बैठी हुई है, और यहाँ पर चार कप रखे हुए हैं और उदास हो रही है। ये उनकी स्पिरिट है जो बहुत ज़्यादा अतृप्त प्रेत आत्मा बन चुकी है। यहाँ पे दिशा साल्यान की स्पिरिट एक अतृप्त प्रेत आत्मा के रूप में दिख रही है, एक ऐसी प्रेत आत्मा जो बहुत ज़्यादा दुखी है, तकलीफ़ में है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि इनकी जो स्पिरिट है उन्हें उसे मुक्ति मिले, और इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। हो सकता है इनकी फैमिली ने कुछ किया होगा इनके लिए, अगर नहीं ऐसा कुछ करेंगे, जैसे इनके लिए कोई तर्पण किया जाए, इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए इनकी आत्मा की शांति के लिए। यहाँ पर SSR की भी एनर्जीज हैं और दिशा साल्यान की भी हैं। जैसा लगता है यहाँ पे कि SSR कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करना चाहते हैं मृत्यु के बाद भी। यहाँ पर भी SSR देख सकते हैं, यहाँ पे एक हाथ है जो एक कप है और इनको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये उदास है। तो यहाँ पर SSR इनको समझा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये दोनों स्पिरिट्स एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं, SSR की और दिशा साल्यान की जो स्पिरिट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तकलीफ़ में है दिशा साल्यान की स्पिरिट। SSR उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ को उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। और टू ऑफ वॉन्ड्स पे आप देख सकते हैं एक और लेडी है जो शायद कहीं ना कहीं यहाँ से इंडिया से कहीं दूर चले जाना चाहती है, कोई यहाँ से बाहर जाना चाह रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है जो भी कल्प्रिट है वो धीरे धीरे भारत छोड़ने का विचार बना रहे हैं। SSR हमसे यही कहना चाहते हैं यहाँ पर कि कोई यहाँ से भागने का विचार बना रहा है, तो क्या होगा आगे चल के। यहाँ पे हमें मिला है रिवर्स विद द लवर्स कार्ड, ये कोई और नहीं है, वही पर्सन है जिसने जो SSR के साथ रिलेशनशिप में थी, क्योंकि लवर्स कार्ड रिवर्स में है। तो वह बता रहे हैं कि वो हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ से जाने का विचार बनाए, मैरिज भी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर SSR कह रहे हैं कि ऐसा वह होने नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो जिसने गलत किया है उसे उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ऐसा है SSR का संदेश आप सभी SSR वॉरियर्स के लिए। यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट हमसे यही बताना चाहती है। SSR आपका कोई और संदेश है तो आप हमें बताएं आप और क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर मिला है दी एम्परर कार्ड, लेकिन ये रिवर्स में है। यहाँ पे क्लियरली SSR ये कहना चाहते हैं कि मैं उस पर्सन को जो इस वक्त राजा बना हुआ है, आप देख सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं उसे पूरे तरीके से नीचे गिरा दूंगा।
तो ये कौन है, ये बॉलीवुड का कोई पर्सन हो सकता है या फिर ये कोई पर्सन पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, कोई नेता हो सकता है, कोई नेता का बेटा हो सकता है, या कोई यहाँ पे फिल्म स्टार हो सकता है, सुपरस्टार हो सकता है, जो भी ये एम्परर है, एक ऊंचे सिंहासन पर जो बैठा है उसे नीचे गिराना चाहते हैं SSR, और ये नीचे गिरा के ही मानेंगे। दूसरा देख लीजिए, ये लेडी दिख रही है यहाँ पर, 3 लेडीज़ हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं उसी की एनर्जीज हैं जो इनके साथ थी। यहाँ पर ये भी रिवर्स में है, तो SSR कहते हैं कि ये और साथ में जो एम्परर है, इन सबको यहाँ पर मैं इनका डाउनफॉल करूँगा, इनको नीचे गिरा दूँगा, ये तरस जाएंगे। यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ये देखो, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने उनको बहुत परेशान किया जब वह ज़िंदा थे। ये सब जो आप देख रहे हैं कब्स, अब ये सोच रहे हैं SSR कि अब किसका नंबर लेकर आना है। तो सुशांत सिंह राजपूत किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, कम से कम 7 लोगों की लिस्ट बनी हुई है और उन 7 लोगों में से एक एक करके सबसे बदला लेने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत। ये यहाँ पर क्लियरली विजिबल है, द डेविल कार्ड रिवर्स में आया है। तो कौन है ये डेविल? डेविल वही है जो एक सुपरस्टार है, जल्द ही वो यहाँ पर रिवर्स होने वाला है, जल्द ही उसकी सारी पावर्स चली जाएंगी और यही सुशांत सिंह राजपूत करने वाले हैं। यहाँ पर SSR चुन चुन कर आप देख सकते हैं, ये पर्सन एक एक करके सब कप्स में देख रहा है कि किसका नंबर लाना है, तो चुन चुन कर सबको मारेंगे यहाँ पर SSR। यही संदेश है सुशांत सिंह राजपूत का, आप सब SSR को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर SSR लिखिए। जय माँ काली।